नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा, खबर रीवा से है, जहां रेडियो कार्यालय के सामने एक रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल सवार युवक की डिवाइडर से टक्कर हो गई, जिसमें युवक के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक आरिफ खान के पिता अबरार उल खान सहायक उप निरीक्षक है, वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ है। बताया जाता है कि युवक शराब के नशे में तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, जो रात करीब 10 बजे दुर्घटना का शिकार हो गया। पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर सब का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जिले में लगातार अत्यधिक शराब और तेज रफ्तार वाहनों के चलाने के चक्कर में सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस अवैध और मादक पदार्थों की बिक्री, तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की बात तो करती है, लेकिन पुलिस के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जी, कल रात करीब 10 बजे की घटना है। एक हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी हैं, उनके पुत्र हैं, जो गाड़ी चलाकर आ रहे थे। गाड़ी जो है डिवाइडर टकराने से और वो गिर गए, जिस कारण से उनकी सिर में चोट आई है और उनकी मृत्यु हो गई है, जिसका जो है पंचनामा कार्रवाई आज चल रही है। घटनास्थल कहाँ की है सर? घटनास्थल रेडियो कार्यालय के सामने ही है, पुलिस लाइन के बगल में। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।